नमस्कार मित्रों, कोरोना के केसेस की संख्या बढ़ना फिर से शुरू हो गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोरोना की थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है। कई सारे देशों में जैसे कि ब्रिटेन तो कोरोना की केसेस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इंडोनेशिया जैसे देशों में तो कोरोना का पीक देखा जा सकता है इस समय। और हमारे देश में भी कोरोना की थर्ड वेव की शुरुआत देखी जा रही है, फिर से केसेस का बढ़ना शुरू हो गया है। आयुर्वेद के मत से ये बार बार किसी भी महामारी की वेव क्यों आ सकती है, क्या कारण होते हैं, कोरोना की थर्ड वेव में कौन से सिम्टम्स ज़्यादा हो सकते हैं, इसके बारे में आयुर्वेद का और वैज्ञानिकों का क्या मत है, इसके अलावा हम कौन सी दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करें, किन सामान्य औषधियों का प्रयोग करें जिससे कि कोरोना का इन्फेक्शन हमें ना हो और अगर हो तो हमें उसके कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इन सभी के बारे में बात करेंगे आज हम सत्वायु आयुर्वेदा में। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और इस तरह की जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोरोना इन्फेक्शन ये एक महामारी है और महामारी का अर्थ है, पैंडमिक का अर्थ है, जब कोई बीमारी की कई सारे देशों में एक साथ फैलती है तो इसे पैंडमिक कहा जाता है। आयुर्वेद में महामारी को जनमार, जनपदोध्वंस या मरक के नाम से बताया गया है। जनपदोध्वंस के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कि जब भिन्न भिन्न प्रकृति होने पर, भिन्न भिन्न विकृति होने पर भी एक समान लक्षण वाले रोग एक बहुत बड़ी जनसंख्या में फैलते हैं तो उसे जनपदोध्वंस कहते हैं। और इसके होने का मुख्य कारण होता है वायु, जल, देश या काल में से किसी एक का दूषित होना। कोरोना महामारी जो एयर ट्रांसमिशन के कारण फैलती है, इसलिए हम वायु को कारण मान सकते हैं कोरोना के होने में। जो मुख्य कारण बताया गया है इन सभी वायु, जल, देश या काल के दूषित होने का, वो बताया गया है अधर्म। अगर हम अपने शरीर के प्रति प्रज्ञा अपराध करते हैं, अधर्म करते हैं, इसका मतलब है कि हम जानते हुए भी अगर गलत तरीके का आहार विहार का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में कई सारे तरीके की विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, इम्यूनिटी लो हो जाती है, इसलिए इस तरह के रोग एक बहुत बड़ी संख्या में एक साथ फैलते हैं। कोरोना महामारी की जब फर्स्ट वेव फैली तो इसके कारण कुछ इसी तरह थे। लोगों ने सेफ्टी मेजर्स का फॉलो नहीं किया, ये जानते हुए कि इन्फेक्शन फैल रहा है। लोगों ने मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया, एक से दूसरे देशों में भ्रमण किया, जिसकी वजह से ये बीमारी फैली। लेकिन फर्स्ट वेव के कम हो जाने के बाद केसेस की संख्या कम हो रही थी, लोगों की जो मृत्यु दर थी कोरोना के कारण वो कम हो रही थी, रिकवरी अच्छी हो रही थी, लेकिन अचानक से फिर से केसेस की बढ़ना संख्या शुरू हो गया और सेकेंड वेव आई। भारत में सेकेंड वेव में पहली वेव की अपेक्षा भी ज़्यादा जनसंख्या प्रभावित हुई, मॉर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा देखा गया। हमने पिछले अपने कोरोना से संबंधित वीडियो में आपको बताया था कि एक कारण कोरोना के उस समय फैलने का बसंत ऋतु भी हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार बसंत ऋतु कफ प्रकोप का काल होता है। यही कारण है कि सेकेंड वेव में जो लक्षण देखे गए वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित ज़्यादा थे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसमें कि कफ का संबंध ज़्यादा होता है उससे संबंधित लक्षण ज़्यादा देखे गए, इसलिए लंग्स का पूरी तरीके से काम ना करना, फेफड़ों का अच्छी तरीके से काम ना करना, जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना, ये देखा गया, ये मुख्य लक्षण था सेकेंड वेव का। थर्ड वेव अब आ रही है। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु वात प्रकोप का काल होता है और शरद ऋतु पित्त प्रकोप का काल होता है। शरद ऋतु जिसमें कि रक्त स्वयं स्वभाव से ही दूषित होता है, कोरोना इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा केसेस नॉर्थ ईस्ट में और केरला में बढ़ रहे हैं, क्योंकि शरद ऋतु जो होती है वो वर्षा ऋतु के बाद शुरू होती है। जब वर्षा ऋतु ख़त्म हो जाती है और धूप निकलती है, गर्मी बढ़ती है, तब शरद ऋतु आती है। इन दोनों ही राज्यों में, केरला में और नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर जो वर्षा ऋतु है वो जल्दी आती है, जल्दी शुरू होती है, और अब तक वर्षा ऋतु ख़त्म होकर वहाँ पे शरद ऋतु शुरू हो चुकी है, इसलिए वहाँ पे कोरोना का जो इन्फेक्शन होता है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा कोरोना के वेरिएंट होते हैं अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ये जो वेरिएंट होते हैं वो कोरोना के एक्टिव वेरिएंट है, जिसमें कि
थर्ड वेव का कारण डेल्टा को माना जा रहा है। ये अलग अलग जो वेरिएंट है उनका कारण म्यूटेशन है। म्यूटेशन का मतलब है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी लिविंग बींग का, उसमें अपने आप कुछ ऐसे चेंजेस आना जिसमें उसके गुणों में परिवर्तन हो जाना। जैसे कि कभी कभी बच्चों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो माता और पिता दोनों में नहीं होते हैं, वो कई बार उनमें म्यूटेशन के कारण आ सकते हैं। ऐसे ही वायरस में जब म्यूटेशन होता है तो उसमें नए लक्षण आ जाते हैं। ज्यादातर वायरसेस में ये म्यूटेशन उनका जो इन्फेक्टिव नेचर होता है वो बढ़ाने के लिए आते हैं। इसलिए जब सेकेंड वेव आई तो वो फर्स्ट वेव की अपेक्षा जो वायरस था वो ज्यादा इन्फेक्शन फैलाने में सक्षम था। इसलिए इस म्यूटेशन की वजह से कोरोना वायरस ज्यादा आसानी से, ज्यादा जल्दी, यानी कि ज्यादा घातक तरीके से इन्फेक्शन को फैला सकता है। और ये इन्फेक्शन ज्यादा तब फैल सकता है जब व्यक्ति की इम्यूनिटी यानी कि दोष विकृति ज्यादा हो। इसी कारण वात और पित्त विकृति के काल में यानी कि वर्षा ऋतु और शरद ऋतु में इस इन्फेक्शन के ज्यादा फैलने के चांसेस हैं। यही वजह है कि इस बार जो इन्फेक्शन फैल रहा है इसके कारण जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित लक्षण थे, फेफड़ों से संबंधित लक्षण थे, उसकी संख्या कम है या फिर उनकी जो फैटलिटी होती है घातकता कम है। यदि वर्षा ऋतु में वात वृद्धि के समय कोरोना जैसे इन्फेक्शन होते हैं तो उसमें वात से संबंधित लक्षण ज़्यादा मिलने की आशंका हो सकती है, जैसे कि हाइपोसमिया यानी कि सूंघने की शक्ति कम हो जाना, या फिर हियरिंग लॉस यानी कि सुनने की शक्ति कम हो जाना, साथ में जो नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड सिम्टम्स ज़्यादा मिल सकते हैं, जैसे कि डिलीरियम यानी कि प्रलाप करना, बेहोशी में बोलने जैसी कंडीशन होना, या फिर इंसेफेलाइटिस, पार्किंसोनिज्म जैसे लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। जैसा कि एक मॉडर्न स्टडी में भी बताया गया है कि थर्ड वेव अगर आती है तो उसमें पार्किंसोनिज्म और हाइपोसमिया जैसे वात वृद्धि वाले लक्षण ज़्यादा मिलने की आशंका है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, फीवर है वो कभी बहुत तेज आना और कभी बहुत हल्का आना, ऐसे लक्षण मिल सकते हैं। शरद ऋतु में जो कि पित्त वृद्धि और रक्त दुष्टि का काल है, ऐसे में अगर कोरोना जैसे इन्फेक्शन होते हैं तो पित्त और रक्त से संबंधित लक्षण ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि जो फीवर है वो बहुत हाई ग्रेड होना, तेज होना, इसके अलावा फीवर के साथ रैशेज होना, आंखों में लालिमा आना, ब्लीडिंग होना किसी भी तरह से, ये सारे लक्षण मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त हार्ट डिजीज यानी हृदय की बीमारी, मायोकार्डाइटिस, इश्मिक हार्ट डिजीज, कार्डियोजेनिक शॉक, ऐसे हृदय से संबंधित कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। क्योंकि वर्षा ऋतु में स्वभाव से ही वात और शरद ऋतु में पित्त बढ़ा हुआ होता है, शरद ऋतु में रक्त दूषित होता है, इसलिए विशेष तरह की दिनचर्या और ऋतुचर्या बताई जाती है। इस ऋतुचर्या और दिनचर्या को हम कोरोना के इन्फेक्शन से बचने के लिए एक रोकथाम के उपाय की तरह इसका पालन कर सकते हैं। जैसे कि वात दुष्टि के काल में वर्षा ऋतु में बताया गया है कि मधुर और लघु आहार का सेवन करना चाहिए, यानी कि जो हल्का खाना होना चाहिए वो खाना चाहिए। इसके अलावा इस मौसम में गेहूं का और चावल का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए और ये दोनों ही धान्य पुराने होने चाहिए। इसके अलावा घृत का प्रयोग यानी कि गाय के घी का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। वर्षा ऋतु में शरीर पर मालिश करना ये बहुत अच्छा बताया गया है, क्योंकि वात की विकृति होती है, इसलिए शरीर पर अगर तेल से मालिश करते हैं तो वात की विकृति कम होती है या नहीं होती है। इसके अलावा शहद मिलाकर पानी पीने के लिए या खाना खाने की चीज़ों में भी शहद मिलाकर खाने के लिए बोला गया है, क्योंकि वर्षा ऋतु में कहा जाता है कि जो भी हम खाते पीते हैं उसका विपाक अम्ल होता है, यानी कि एसिडिटी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए अगर हम शहद मिलाकर खाने पीने की चीज़ों को लेते हैं तो एसिडिटी नहीं होती है। वस्ति कर्म को भी इस ऋतु में करने के लिए बताया गया है। इसके अलावा कट उत्तिक्त कसाय रस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा कड़वी चीज़ें होती हैं, तीखा रस होता है, तीखी चीज़ें होती हैं, कसैली चीज़ें होती हैं, उनका प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। कई लोग जो बहुत समय से आयुर्वेदिक काढ़ा ले रहे हैं वर्षा ऋतु में, उन्हें आयुर्वेद में बताया गया, आयुष मंत्रालय की ओर से बताया गया काढ़ा कम लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो कटु रस वाली हैं, जिसके कारण वात से संबंधित परेशानियाँ हो सकती हैं, इसलिए इसका प्रयोग कम करना चाहिए। इसके अलावा रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए, यानी कि रात में ज़्यादा जागना नहीं चाहिए। जो बहुत ज़्यादा सूखा और ठंडा खाना होता है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कच्चा, सलाद, आइसक्रीम, चाय, कॉफ़ी या फिर कैंडीज़,
कच्चे फल और सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सब करने के कारण वात बढ़ जाती है। वात बढ़ती है इसके कारण अगर आपको किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उसके लक्षण जो वात से संबंधित होते हैं वो ज़्यादा आते हैं और कई बार उनकी जो सीवियरिटी होती है, उनकी जो घातकता होती है, वो बहुत अधिक होती है। शरद ऋतु जब वर्षा ऋतु ख़त्म हो जाती है और धूप निकलती है तब पित्त की वृद्धि होती है और साथ में रक्त की दुष्ट भी स्वभाव से इस काल में होती है। इसके लिए सबसे पहले तो शिको तिक्त द्रव्य जो होते हैं, मीठी चीज़ें होती हैं, उनका प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, जैसे कि घी और शक्कर का प्रयोग। जो तिक्त रस की चीज़ें होती हैं जैसे कि परवल है, गुडुची है, इनका प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, जिससे कि रक्त की दुष्टि नहीं होती है और पित्त की वृद्धि भी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा तीखा खाना नहीं खाना चाहिए। तो जब बहुत ज़्यादा नमक का प्रयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है या बहुत ज़्यादा तीखा खाना खाया जाता है तो उन सब की वजह से पित्त बढ़ जाता है। एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से शरीर में उष्णता बढ़ जाती है और रक्त से संबंधित रोग आसानी से हो जाते हैं। शरद ऋतु में हर व्यक्ति को रक्त मोक्षण और विरेचन करने के लिए बताया गया है। रक्त मोक्षण या विरेचन करने के लिए आप अपने किसी आसपास के आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह ले सकते हैं या फिर हमसे भी सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा विरुद्ध आहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि ठंडा और गर्म मिलाकर खाना, दूध और नमक मिलाकर खाना, यानी कि जैसे चाय नाश्ते के साथ लेना या फिर दूध की बनी हुई चीज़ों के साथ स्नैक्स लेना। इसके अलावा कच्चा और पक्का मिलाकर खाना, जैसे कच्ची सब्जियों का पराठे बनाकर खाना या फिर कच्चे सलाद को बहुत बड़ी मात्रा में खाने के साथ लेना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। शरद ऋतु में दही का प्रयोग करने के लिए भी मना किया गया है। मांसाहार का प्रयोग भी कम करने के लिए बताया गया है। शरद ऋतु में बताया गया है कि रात में जो चंद्रमा की रोशनी होती है उससे शरीर में शीतलता आती है, इसलिए रात भर रखकर सुबह अगर आप जल पीते हैं ये शरीर में शीतलता लाता है और साथ में जो पित्त वृद्धि से संबंधित लक्षण होता है उनको कम करता है। और इस जल को आयुर्वेद में हंसोदक कहा गया है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में जो दिनचर्या बताई गई है जिसमें कि सुबह सुबह आपको नस्य करना चाहिए, गंडूष करना चाहिए, तो वाष्प सेवन करना चाहिए यानी कि भाप लेना, योग और प्राणायाम करना, सात्विक आहार लेना, इससे हमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो पाता है और अगर होता है तो उसकी सीवियरिटी, उसकी घातकता कम होती है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद के अनुसार इम्यूनिटी बढ़ाने वाली औषधियाँ जैसे कि गुरुची घनवटी है या फिर शंशमनी वटी है, अमृता सत्व है, इसका प्रयोग या फिर तिक्त घृत जो बताया गया है उसका सुबह सुबह एक चम्मच आप प्रयोग करते हैं तो ये इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है। इन सभी के साथ हम सभी को मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छी तरीके से फॉलो करना, ये सारे सेफ्टी मेजर्स का फॉलो करना ही चाहिए। आप सभी वर्षा ऋतु में वात शामक दिनचर्या का और ऋतुचर्या का पालन करें और शरद ऋतु में बताई गई पित्त शामक, रक्त शामक दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करें, जिससे कि हम सभी कोरोना की थर्ड वेव से बच सकें और अगर कोरोना का इन्फेक्शन हमें होता है तो उसके लक्षण हमें कम से कम दिखाई पड़े। उचित आहार लें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।